उसके बाद देखेंगे इसको बनाना कितना सरल है। इसके अंदर केवल दो गत्ते के टुकड़े हैं आयताकार, और इन दोनों टुकड़ों में हमने खांचे काट दिए, और उसके बाद में इनको हमने एक के ऊपर दूसरा रखा है, और इनके बीच में खांचों के बीच में एक रबड़ का छल्ला हमने फंसा दिया। बस इसको चलाने के लिए पहले हम दोनों टुकड़ों को गत्ते के हम इस तरह मोड़ते हैं तो रबर बैंड के अंदर एक खिंचान या तान आ जाती है, और इसको छोड़ने से एक चटकी आवाज आती है। इसमें अगर हम एक के बजाय अगर दो रबर बैंड लगा दें तो हमको खींचने में ज़्यादा ताकत लगेगी, पर बाद में जो आवाज़ आएगी वो भी ज़्यादा तेज़ आएगी।